मिनीमा चाहे जो कहे जो सोचे, उनकी परमिशन के बिना ऐसे इंटरनेट पर उनकी पिक्चर्स कैसे डाल सकते हो तुम? क्योंकि मैं इनसे प्यार करता हूं। What did you say? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बात करने की? इससे पहले कि मैं तुम्हारे चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूं, I just get out of here. क्या कर रहे हो तुम? तुम बीच में मत बोलो आरुषि। मैं सुना नहीं इसने क्या कहा? मैंने सुना इन्होंने क्या कहा, लेकिन जो इन्होंने कहा इसमें गलत क्या है? हाँ भैया, इन्होंने सिर्फ मिनी माँ के लिए अपना प्यार जाहिर किया है। और तुम्हें इस बात में कुछ गलत नहीं लगता? नहीं भैया, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। हाँ विहान, ये गलत क्या है? विहान, मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ, और जैसे तुमने कहा, मैं यहाँ एक भी सेकंड नहीं रुकूंगा। लेकिन उससे पहले अपनी मिनी माँ से कहो कि वो यहाँ सबके सामने कहें कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। उनसे कहो कि वो ये कहें कि वो कभी भी आइंदा से शक्ल नहीं देखना चाहता। और फिर उसके बाद आई प्रॉमिस यू कि मैं यहां कभी आइंदा नहीं आऊंगा। नेवर। I rest my case. जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया। ये सब क्या हो रहा है दादी माँ? क्यों बेटा, इसमें गलत क्या है? प्यार पर कोई बस नहीं होता, वो तो किसी भी उम्र में हो सकता है। अरे क्यों? लेकिन दादी माँ ठीक कह रही है विहान, प्यार ऐसी चीज है जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं होता, और मिनी माँ की चुप्पी ये साफ जाहिर कर रही है कि कहीं ना कहीं वो भी रौनक जी को पसंद करती है। इस समय हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए विहान, क्योंकि कहीं ना कहीं मिनी माँ समाज के नियमों और विचारों में उलझी हुई है कि इस एज में प्यार कैसे हो सकता है। और फिर उनके और रौनक जी के बीच में एज डिफरेंस भी तो है, वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाएंगे, उन्हें उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे समाज को लगता है कि लड़की की उम्र हमेशा लड़के से कम होनी चाहिए। और बेटा, हमारे जमाने में ये विचारी नियम सब ठीक थे, लेकिन आज के दौर में हमें इन चीजों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। प्यार तो वो जज्बा है जो हमें ईश्वर की तरफ से उपहार मिला है, और हमें इस उपहार का सम्मान करना चाहिए। प्यार कभी अपमानजनक नहीं होता, अगर होता तो राधा मीरा जैसी जोगिनी और प्रेम की मिसालें कभी नहीं होती। किशन जी तो शादीशुदा थे, फिर भी हम राधा किशन के प्यार को मंदिरों में पूजते हैं। है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, और मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे विहान जी के रूप में अपना उपहार दिया है।
अब ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, यानी अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो अब मुझे समाज के नियम और विचारों की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि विहान जी शादीशुदा है। मुझे अपना प्यार पाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। जगदीश सर हमारे घर के बाहर क्यों खड़े हैं? प्लीज रुको, यही मेरे भैया। क्या उसे तुमने कहा कि तुम्हें गुप्ता एंड सच में नौकरी मिली है? मैं डर गई थी। प्लीज ट्रस्ट मी, अगर भैया को पता चलेगा कि मैं यहाँ हूँ वो मुझे मार डालेंगे। प्लीज किसी भी हालत में ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ। प्लीज जी, नमस्ते। नमस्ते। क्या जानवी यहाँ रहती है, आपके किराएदार? जी आइए। मैं देख के आता हूँ। नहीं रे जानवी, कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। हम यहीं रुको। बस मिली, अरे इसमें रोने की क्या बात है बता? तेरी गलती नहीं है ना? फिर चुप हो जा। प्लीज मिली, मैंने कुछ नहीं किया। माँ वो लड़का पागल है। कब तक, कब तक तू अपने आप से झूठ बोलती रहेगी बबीता, कब तक? नहीं माँ नहीं, यही सच है। माँ वो लड़का पागल है, वो कुछ भी बोल रहा है। बेटा ये सब सब मेरी गलती है। बस ये जो वहम था कि मेरे परिवार पर श्राप है, सब उसी की वजह से है। लेकिन आज जब आरुषि आ गई है तो मेरा सारा नजरिया बदल चुका है। बेटा भगवान जानता है कि मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारी जिंदगी के बारे में तुमसे तो बातें करूं, कुछ पूछूं, तुम्हारे अरमान, तुम्हारे आशाएं, उनके बारे में बात करूं, लेकिन पता नहीं कब मेरी और मेरी बेटियों के बीच ऐसी दूरियां आ गई कि मैं ये बात कभी कर ही नहीं सकी। बेटा मुझे माफ कर। मुझे हमेशा ही डर लगा रहा कि जो हम छह औरतों के साथ हुआ है वो कहीं तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए मैं हमेशा डरती रही और हिम्मत ही नहीं जुटा पाई कि मैं तुमसे तुम्हारी शादी की बात करूं। मुझसे बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब नहीं, अब मैं इस गलती को सुधारूंगी। मैं अब चाहूंगी कि तुम अपने अरमान जियो, पूरे करो। नहीं, अब मेरी बेटी कोई कुर्बानी नहीं देगी, बिल्कुल भी नहीं। माँ दादी, माँ रेहान ने मिनी माँ को बाहर बुलाया। नहीं माँ, मैं उससे बात नहीं कर सकती, मैं उसे फेस नहीं कर सकती। माँ माँ सोचो, बेटे के प्यार करने की उम्र है और माँ के प्यार के चर्चे हो रहे। प्लीज ना, प्लीज, मैं नहीं फेस कर सकती उसको, प्लीज। मिनी माँ, रौनक भी है बाहर। क्यों, उसे किसने बुलाया? विहान ने। आप कौन है और आप जानवी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो अरे जगदीश सर, आप यहाँ पे मेरे घर में? तुम क्या मुझे जानते हो? सर मैं आपकी कंपनी में सुपरवाइजर का काम करता हूँ।
माँ ये ना जगदीश सर है, बहुत अच्छे इंसान है। अब आप एक काम कीजिए, इनके लिए किचन में जाके खाने पीने का इंतजाम कीजिए। माफ कीजिएगा लेकिन आपने पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन गिरीश ये तो जानवी के बारे में पूछ रहे थे। हाँ जी वही जानवी। हे भगवान आंटी जी ने तो मेरा नाम ले लिया। हाँ जी वो यही रहती है ना? रहती थी सर, रहती थी। रहती थी मतलब? अब सर असल में ना बहुत बड़ी ठग निकली सर, वो 2 महीने से हमारे घर में पेंगेज की तरह रहती थी। पहले महीने हमने पैसे मांगे तो पैसे नहीं दिए, हमने सोचा चलो ठीक है पहले महीने नहीं दूसरे महीने से ही, लेकिन दूसरे महीने भी नहीं दिए सर, अब सामान उठा के गायब हो गई। 2 दिन से मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ। गिरीश हाँ आप गुस्सा मत कीजिए, मैं बात कर रहा हूँ ना, आप गुस्सा मत कीजिए सर, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे मिलेगी ना छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, ऐसा हाल करूंगा ऐसा हाल करूंगा। ए! जबान संभाल समझा। ये सब क्या है गिरीश? आप मैं आपको सब बाद में बताऊंगा। हे भगवान ये सब क्या हो रहा है? साहब यहाँ पर एक लड़की खड़ी थी, आपको पता है कहाँ है? हाँ इधर ही खड़ी थी, चक्कर खाकर गिर गई। क्या? हाँ कुछ औरतें उठाकर उसे क्लिनिक लेके गए। डॉक्टर वो जानवी गुप्ता। ओह तो तुम अब आ रहे हो, तुमने उस बेचारी को इस हालत में अकेले रोड पर कैसे छोड़ दिया? तुम्हें तो खुद समझना चाहिए कि ऑलमोस्ट 3 महीने पूरे हो चुके हैं और इस वक्त तो और ज्यादा केयर करने की जरूरत है। एक लेडी जब प्रेग्नेंट होती है ना तो उसे बहुत ज्यादा देखभाल और केयर की जरूरत होती है, प्यार की जरूरत होती है, और इस टाइम पर उसके साथ कोई ना कोई होना चाहिए, खास तौर पर तब जब 3 महीने पूरे हो चुके हों, क्योंकि उसके बाद ना तो हम बच्चा गिरा सकते हैं और अगर किसी वजह से बच्चे को कुछ हो जाए ना तो माँ की जान को भी खतरा होता है। मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अब तुम्हें उसका पहले से ज्यादा ख्याल रखना होगा और किसी भी टाइम उसे अकेला मत छोड़ना, ओके? वैसे कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में ऐसा होता है, धीरे धीरे सब समझ जाओगे, सीख भी जाओगे। तुम उसके पति ही हो ना? से सुनना चाहता हूँ। क्या सुनना चाहते हो तुम बिहू? और क्या कहूँ मैं? मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। प्लीज रौनक प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, प्लीज मुझे और शर्मिंदा मत करो। मिनी मा बेटा बिहू कोई भी माँ अपने बेटे के सामने ऐसी बातें नहीं कर सकती। दादी माँ मैंने ही तो रौनक को यहाँ बुलाया है और अब मुझे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। फिर भी बेटा तुम्हारे और मिनी माँ की उम्र में 15-16 सालों का फर्क है, एक पूरे पीढ़ी का फर्क है। दादी माँ तो क्या मिनी माँ का प्यार अधूरा रह जाए? नहीं उसे बस थोड़ा सा वक्त दे दो, सब चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। तो क्या तब तक मैं? बेटा फिलहाल तुम अपने घर चले जाओ।
और ये ध्यान रखो, ईश्वर जो भी करेंगे सही करेंगे। और अब तुम दोनों विहान आरुषि, ये सारी टेंशन छोड़ो और हनीमून पर जाने की तैयारी करो। मैं नहीं चाहती इस बार कोई भी बाधा। वैसे कल रात की फ्लाइट है ना तुम दोनों की, पैकिंग वैकिंग हो गई? नहीं दादी माँ, पैकिंग मैं अभी कर लूंगी। विहान हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब मेरे घर वालों को इस बात का पता चला तो मानो उछाल आ गया, क्योंकि जिस लड़के से मैं प्यार करती थी वो हमारी जात का नहीं था। मेरे बाबूजी और भैया के लिए अपमान वाली बात थी, बिरादरी में मुंह कैसे दिखाते। हम दोनों ने तो साथ भागने की भी तैयारी की थी और उसी दौरान उसका एक्सीडेंट हो गया गिरीश, और वो मारा गया गिरीश। मैं जानती हूँ गिरीश, वो एक्सीडेंट नहीं था, मर्डर था, जो मेरे भैया और बाबूजी ने करवाया था। इसीलिए अब वो मेरे पीछे पड़े और उनसे भाग रहे हैं। मेरे पेरेंट्स, मेरे भैया, मेरे परिवार वाले नहीं चाहते कि मैं इस बच्चे को जन्म दूं। अपनी मान मर्यादा इज्जत की खातिर वो मुझे और मेरे इस बच्चे को मार देना चाहते हैं गिरीश। लेकिन इस बात से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है गिरीश, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी प्रेगनेंसी की बात सुनकर तुम भी मुझे गलत समझोगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम पर या इस परिवार पर कोई भी मुसीबत है। इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। क्या जानवी, तुम जाओगी कहाँ? कहीं भी जाऊंगी गिरीश, कहीं भी। अपनी और इस बच्चे की जान ले लूंगी तब सबको फुर्सत हो जाएगी, सब खुश हो जाएंगे, मेरे परिवार वालों की इज्जत बच जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। अब थक गई हूँ भागते भागते, और नहीं भाग सकती मैं गिरीश। बस जानवी, बस आज के बाद कभी जिंदगी में ये बात दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा तुम, कुछ नहीं। विहान, घर में सब इतने टेंशन में है और हम ऐसे हनीमून के लिए घूमने जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा ना? हाँ तो तुम सही कह रही हो आरुषि, माँ ने इतनी उम्मीद के साथ हमारे लिए थाईलैंड की सारी बुकिंग्स करवाई, अगर हम नहीं जाएंगे तो वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाएंगे। आप लोग हनीमून पे जा रहे हैं? लाइए मैं आपकी पैकिंग कर देती हूँ। विभा एक काम करो, वहाँ उस ड्रॉअर में ना ब्लैक फाइल होगी, वो लेकर। क्या कहा तुमने, फाइल? तुम वहां जाकर काम करने वाली हो? विहान बस एक ही फाइल लेकर जा रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज। नो वे आरुषि, तुम वहां जाकर कोई काम नहीं करने वाली। विभा फाइल मत देना वहीं पर। विहान वो यूएस का प्रोजेक्ट है, बस सबमिट करना है, एक ही फाइल लेना। मैंने कह दिया नहीं मतलब नहीं। विहान जी, मुझे नहीं लगता आरुषि आप जैसे देवता समान आदमी का महत्व पहचानती है। मैं आपको अपने हनीमून पे यूं परेशान नहीं होने दूंगी किसी भी कारण, और मुझे पता है उसके लिए मुझे क्या करना है।